अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आमतौर पर हमने बच्चों को सिर्फ खेलकूद और पढ़ाई करते हुए ही देखा है, लेकिन आज जब देश के लिए जान देने वाले शहीदों पर पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है, ऐसे में बच्चों में भी शहीदों के प्रति समर्पण का भाव देखने को मिल रहा है। ऐसी ही मिसाल इंदौर में भी एक बालिका ने पेश की। इंदौर की इस बिटिया ने बीते 6 माह से जो रकम अपनी गुल्लक में जोड़ी थी वह कलेक्टर को देते हुए देश के शहीदों के परिवारों के नाम की। इंदौर की इस बालिका की पहल को कलेक्टर लोकेश जाटव ने भी सराहा। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली अनेरी पुद्दार ने जब शहीद जवानों की खबर सुनी तो व्यथित हो उठी। उसके बाद से ही उसने अपनी बचत को शहीदों के परिवारों को देने की ठान ली थी। अभी जब कलेक्टर साहब से मिले तो कलेक्टर साहब क्या बोले आपको? आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहना और उन्होंने मुझे उनका ये पेन भी दिया। वहीं अनेरी की माँ ने बताया कि बचपन से ही अनेरी इस तरह की संवेदनशील है। जब उसने यह खबर सुनी तो अपने जन्मदिन से पूर्व सारा बचत का पैसा शहीदों के नाम करने की जिद की। मैं बहुत खुश होती हूँ और उसका नेचर ही हेल्पिंग नेचर मेरे दोनों बच्चों में ये चीज है और मैं जहाँ तक होती हूँ या हम दोनों जितना कर पाते हैं हम सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे उतना ही कर पाते हैं जितना हम उन्हें समझाते हैं। तो अभी उसने जब न्यूज़ चैनल्स में और न्यूज़ पेपर्स में ये चीज़ देखी, बोले मम्मा अपन कैसे मदद कर सकते हैं, तो मुझे कोई समझ नहीं आया कि ये क्या मदद करेगी, क्योंकि हमने तो भारत के वीर वाला जो अकाउंट है उसमें हमारा अकाउंट शिफ्ट किया, लेकिन ये कैसे करेगी। बोले मैं अपना पिगी बैंक देती हूँ। तो मैंने कहा आपका पिगी बैंक तो 6 महीने आप कलेक्टर हो, अगले महीने आपका बर्थडे है, फिर आपको कुछ और नहीं चाहिए? नहीं चाहिए मम्मा, अपन इनकी हेल्प करेंगे। तो फिर सर से टाइम लेके, सर की हेल्प लेके हमने पिगी बैंक से। जहाँ शहीदों के परिवारों की मदद पूरा देश कर रहा है, ऐसे में इंदौरी बेटी की यह पहल समाज के लिए एक मिसाल है। सभी बच्चों में इस तरह के भाव पैदा होना ही उनकी सच्ची शिक्षा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टैलेंटेड इंडिया।